नल तो चल रहा है यार, पानी भी आ रहा है। कौन है? ये देखो भाई, कोई नहीं इसको टच करके आया, क्योंकि निर्मल भाई अभी वहां पे था और यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन हो भी। आप लोग देख सकते हैं, ये देखो नल पे बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ये भाई खूनी दुल्हन है और ये किसी की भी जान ले सकती है, काफी ज्यादा खतरनाक भी है। ये देखो, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आज के एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे बताया जाता है कि एक खूनी दुल्हन की आत्मा दिखाई देती है। उसके साथ क्या हुआ था अब मैं आप लोगों को बता दूँ। आज से लगभग 4 साल पहले की घटना है, जब उस दुल्हन की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद यहाँ पे डाल दिया गया था। आज भी वो दुल्हन यहीं पे अपनी बदले की तलाश में दिखाई देती है। कई सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचा चुकी है और कई सारे लोग चैलेंज करके आए रुकने के लिए, और वो लोग नहीं रुक पाए और उन लोगों को वापस जाना पड़ा। और यहाँ पे भाई एक कॉलोनी बन रही है, जो कि गांव के श्याम जी ही बनवा रहे हैं। पास ही गांव की वो दुल्हन भी है और अभी पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हो पाई है, बस स्टार्टिंग नीचे का पोर्शन बन के तैयार हुआ है। और वो दुल्हन भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान करने लगी है, वो यहाँ पे बनना ही नहीं देना चाहती है। तो आज हम भाई इसीलिए आए हुए हैं इस लोकेशन पे ये चीज़ देखने के लिए। तो मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पे यार आज से नहीं, लगभग 4 साल पहले से लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, जब से उसकी मौत हुई है। और उस घटना के बाद क्या हुआ था, उसके साथ क्यों ऐसा किया गया, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, तो अब मैं बताऊँ उस दुल्हन के साथ क्या हुआ, क्यों खूनी दुल्हन बनी, इसके पीछे का रीज़न बताऊँ। जहाँ पे भाई उस दुल्हन की शादी हुई थी, उनके घर में उनकी जो लड़के की माँ थी और जो लड़के की बहन थी, वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती थी। आए दिन रोज गाली गलौज लड़ाई हुआ करती थी, और जो उसका पति था वो भी भाई उस अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था, अपनी माँ और बहन की बात मानता था, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती थी और वो अपने घर पे जाती थी। तो वो लोग भैया भेज देते थे 10 दिन 15 दिन के बाद कि जाओ अपने घर पे रुको जाके। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, उसके सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो वो उसको आए दिन उसका पति मारता था, गाली देता था, और लड़के की माँ वो भी गाली देती थी, उसकी बहन वो भी, पूरा घर मतलब वो टॉर्चर ही कर चुका था। और एक दिन क्या हुआ, लड़का था नहीं घर पे, और लड़के की बहन और लड़के की माँ उसको जान से मार दिया। और मारने के बाद रात को ही उस दुल्हन को यहाँ पे डाल गए जंगल में। और जो लड़के का आवाज़ कहाँ से, जो लड़के का पापा था वो यहाँ पे एक, पहले वहीं पे चलते तब बताएंगे, यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, आज के टाइम पे भाई नहीं है, पता नहीं क्यों कटवा दिया, जैसे कि कॉलोनी बन रही थी यार, क्या हुआ अभी जल्द ही में कटा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसी पे भाई लटका दिया उसके जो लड़के का पापा था, उसने अपनी बहू को। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने खुद आत्महत्या की है, ऐसा चारों तरफ उनके घर वाले बताने लगे और लोगों को विश्वास भी हो गया कि शायद ही आत्महत्या किया हो। किसी को भी नहीं लगा कि इन्हीं लोगों ने उसकी जान ली है। उसके बाद भी भाई आज भी वो यहाँ पे अपने इंसाफ के लिए भटकती हुई नज़र आती है। तो भाई वो कुछ भी कर सकती, किसी भी हद तक जा सकती, भाई जान भी ले सकती। तो मैं तो बस यही चाहूँगा भाई कि अगर वो चीज़ दिखती है, अगर कोई भी उसकी अधूरी ख्वाहिश है, तो हम उसकी पूरी करने की ज़रूर सोचेंगे। और एक बात मैं आप लोगों से भी बताना चाहूँगा कि आप लोग भाई वीडियो को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई यहाँ पे दूर दूर तक कोई है नहीं, और यहाँ पे जंगल जिस प्रकार से है, हमें नहीं लगता कि ओए कौन है, कोई तो था यार, क्योंकि यहाँ पे भाई जंगल भी काफ़ी ज़्यादा है, और उस टाइम भी भाई काफ़ी ज़्यादा जंगल था। जो कॉलोनी बन रही है वो तो वहाँ पे है, लेकिन अभी हमको कुछ लगा था कि कोई यहाँ पे है। ओए
ये क्या हुआ यार, ये पेड़ हिल रहा है यार। पीछे ही चलना पड़ेगा, चलते हैं। हमें लगता है कि वो उसी तरफ को गई हुई होगी, क्योंकि भाई जो कॉलोनी बन रही है वो यहीं पे बन रही हुई है, और आज के टाइम पे यहाँ पे भाई कोई आता नहीं है। जिन लोग बनवा रहे थे वो भी भाई दिन में नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें से एक की। और भी ये क्या है भाई, खून उन है क्या इसमें? ये रही भाई वो कॉलोनी, जो भी अभी आप लोग ईंटें भी देख सकते हो, यहाँ पे नल भी लग चुका है। और क्योंकि हम भाई कल आए थे यहाँ पे दिन के टाइम पे, अभी भाई कौन है यार, तूने तो नहीं किया है निर्मल, सच बता भाई यार, ये कौन है डाल हिला रहा है? अभी वहाँ पे कोई हिला रहा था कोई यहाँ पे, एक मिनट पहले यहाँ पे आ निर्मल, देखो अभी लिंटर ही पड़ा हुआ है जो कि नीचे का पोर्शन होता है, और उसके बाद भाई यहाँ पे काम बंद हो चुका है। काम बंद हुए लगभग 10 दिन आज हो चुके हैं जैसा उन लोगों ने बताया था, और उसके बाद अभी भी यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। ओए कौन है यार, एक मिनट, वो पेड़ शायद ये है यार, एक मिनट, ये है यार कोई और है, मतलब यही एक पेड़ है या कोई और भी पेड़ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि क्लियर नहीं पता है। जैसा उन लोगों ने बताया था वैसा ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही शायद पेड़ हो सकता है या और भी कोई हो सकता है। आखिर वो खूनी दुल्हन क्यों नहीं बनने देना चाहती है, क्योंकि भाई उसके साथ हुआ है गलत, और गलत किया है भाई श्याम जी के गाँव के ही ने, हो सकता है भाई इसीलिए वो नहीं बनने देना चाहते हुए। लेकिन श्याम जी की कोई भी गलती नहीं थी, और इनकी जो यहाँ पे कॉलोनी बन रही है ये बननी चाहिए। वही मेरे में कौन है, वही भैया भैया देख देख, और भैया यार ये देखो, ये जो सरिया है भाई ये देखो कैसे हिल रही है यार, ये देखो भाई कोई नहीं इसको टच करके आया, क्योंकि निर्मल भाई अभी वहाँ पे था और यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन हो। ओए ये देखो कोई नहीं, निर्मल वहाँ पे है और हम यहाँ पे, भाई आप लोग देख सकते हो। मैं जानता हूँ जो भी कुछ आपके साथ हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्लीज़ हम दोनों भाइयों को कोई भी नुकसान मत पहुँचाना, और हम आपको भी कोई नुकसान या कुछ, पहली बात तो हम नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते, ना तो हम आपको कोई परेशान करने आए, बस हम ये चीज़ देखने के लिए आए थे कि जैसा लोग बोलते हैं और आपके साथ जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है। एक मिनट निर्मल भाई इधर आ, एक मिनट पानी देखे आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि नल तो चल रहा है यार, पानी भी आ रहा है। एक मिनट बट तो अच्छा नहीं है अभी पानी। ओए एक मिनट रुक, ओए उसके पेड़ के पीछे कौन है, ओए ओए पीछे कोई आ रहा है, कहाँ पे यार? अरे हाँ देख भाई पेड़ के पीछे, मैंने बोला था ना कि वहीं पे, देखो अभी भी है यार। अभी भी भाई और कोई नहीं, ये वही खूनी दुल्हन हो सकती है और कोई नहीं भाई। इधर आ निर्मल भाई,
अभी भी यार शायद पेड़ के पीछे ही है यार, क्योंकि अभी जब वही एक ऐसी आवाज है भाई, एक मिनट आ जा निर्मल। ओए यहाँ पे तो कोई नहीं है भाई, किधर को गए यार? ये क्या है? किस तरफ से? देख देख कौन है, देखें। हाँ देखते हैं कहाँ पे। कहाँ से निर्मल भाई? यहाँ पे तो कोई नहीं है यार, कौन है? भैया अगर आप लोगों को कोई चीज़ कहीं पे भी दिखे और हम लोग ना देख पाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि इतने टाइम पे ये चीज़ दिख रही है। और वही वो देख वहाँ पे, देख 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 वो कौन है यार? कौन है? अबे यार कौन दुल्हन भी है यार, पीछा पहले अब दिखा दूर से, क्योंकि यार ज्यादा पास भी जाना सही नहीं। ओए कहाँ को गई यार? अबे कहाँ चली गए भाई? आपके सामने दोस्तों वहीं पे थे और आपके सामने ही वो चीज गायब हो चुकी है। वहां पे थी यार, वहां पे वहां तक दिखी था निर्मल भाई। पेड़ के पीछे दिखा है कुछ? दिखा तो इधर दिखा, अभी यार यहीं पे तो थी यार। कौन है? अबे नल पे देख, नल पे देख। ओए नल पे देख, अरे कैमरा ला, कैमरा ला भाई। भी आप लोग देख सकते हो, ये देखो नल पे बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ये भाई खूनी दुल्हन है और ये किसी की भी जान ले सकती है, काफी ज्यादा खतरनाक भी है। ये देखो ये भाई, ये क्या आप लोग सांस सुन सकते हो भाई? कैमरा के सामने आती हुई देखो भाई, जंगल से आवाज आना चालू। एक किस जानवर की आवाज आप लोग कमेंट में जरूर बताना है। भैया बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है ये।
भाई आवाज बंद, और वो भी भाई दिखना भी बंद। आप लोग देख सकते हो नल पे कोई नहीं है भाई। ये Yeah.